नमस्कार, आपण पाहायला सुरुवात केली आहे जनतेचे मत लाईव्ह. मी फेरोज बनियार. पाहूया आजच्या ठळक घडामोडी. आज कंधार येथे तहसील कार्यालयावर मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्याबाबत जमीयत उलेमा हिंद या संघटनेमार्फत धरणे आंदोलन करण्यात येत आहे. मागासलेल्या मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्यात यावे या मागणीसाठी विविध पक्षातील सर्व मुस्लिम बांधवांनी पाठिंबा दर्शविला आहे. जमीयत उलेमा हिंद या संघटनेने स्वातंत्र्य चळवळीत क्रियाशील योगदान देत लाखोंच्या संख्येने प्राणांची आहुती देऊन भारतात स्वतंत्र मिळवून देण्यास जमीयत उलेमा यांचा सिंहाचा वाटा आहे. स्वातंत्र्यानंतर भारतीय संविधानाची मूल्ये खऱ्या अर्थाने जोपासना करीत स्वातंत्र्य, समता, बंधुता व सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्याकरिता सर्वतोपरी जमीयतचा प्रयत्न राहिलेला आहे. देशामध्ये नैसर्गिक आपत्ती, विपदा, त्याचबरोबर आसमानी संकटामध्ये मानवतेच्या दृष्टिकोनातून वंचित समाजास सदैव मदत करीत समाजसेवा करणारी देशाची संघटना आहे. आपण राज्याचे मुख्यमंत्री या नात्याने सर्व समाजासाठी समान संधी, समान न्याय व समान वाटा देणे हे आपले घटनात्मक कर्तव्य आहे. असे असताना आपण अत्यंत संवेदनशील असलेल्या मुस्लिम आरक्षणाच्या मुद्द्यावर चालढकल करीत आहात, असा आरोप मुख्यमंत्र्यावर या धरणे आंदोलनात करण्यात आलेला आहे. व हम लेके रहेंगे मुस्लिम आरक्षण लेके रहेंगे. मागासलेल्या मुस्लिम समाजाला आरक्षण मिळालेच पाहिजे अशा घोषणा देत शिक्षणापासून वंचित पिढ्यानपिढ्या न्याय हक्क नाकारलेल्या समाजाच्या न्याय हक्क त्वरित मिळवून देण्यासाठी मुस्लिमांचा 5% आरक्षण देण्याविषयी त्वरित पावले उचलावीत. अन्यथा महाराष्ट्र राज्यात नाईलाजास्तव घटनात्मक दृष्ट्या शांततापूर्ण मार्गाने जमीयत उलेमा हिंदला तीव्र आंदोलन करावे लागेल असा इशारा या धरणे आंदोलनात देण्यात आलेला आहे. मजहब के आधार पे रिजर्वेशन नहीं बल्कि मुसलमान जो बिलो पावर बैकवर्डिटी कास्ट में जो जमा हो रहा है इसलिए रिजर्वेशन आज मिलना चाहिए मुसलमानों को. अगर मुसलमानों को अगर रिजर्वेशन मिलेगा तो मुसलमानों को अगर रिजर्वेशन मिलेगा तो बल्कि हिंदुस्तान मजबूत हो जाएगा. हर एक मुसलमान जो अपनी ताकत के ज़रिए से मुसलमान के ज़रिए से हिंदुस्तान पूरा मजबूत हो जाएगा. इसलिए आज तीन तीन कमेटी की रिपोर्ट है रिजर्वेशन मिलना चाहिए. मैं जमीयत उलेमा हिंद के ज़रिए से आज धरने एहतजाज में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदार होने के नाते आज इनको खुला समर्थन दे रहे हैं हम. इसलिए मेरी ये डिमांड है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन बल्कि मज़हब के ऊपर नहीं, तीन तीन कमेटी की रिपोर्ट है इसके ज़रिए से मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए. जैसा कि मैं बताया रंगनाथ मिश्रा कमेटी, महमूदुल रहमान कमेटी और सच्चर कमेटी, इन कमेटी के ज़रिए से पूरे हिंदुस्तान के अंदर सर्वे किया गया है. इसलिए आज मुसलमान बिल्कुल परेशान हाल में है. इसलिए हम कोई महाराष्ट्र सरकार से भीख नहीं मांग रहे, हम महाराष्ट्र सरकार से हमारा हक मांग रहे हैं. और हमारी डिमांड नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर आज पूरे जमीयत के ज़रिए से पूरे महाराष्ट्र में इर्जाज धरने दिया जा रहा है. हम अपने हक के लिए फायदे से लड़ेंगे, अमन से लड़ेंगे और उसूल से लड़ेंगे. हम जेल भरो आंदोलन के लिए भी तैयार रहेंगे. हम इसके लिए जो कुर्बानी की ज़रूरत पड़े देंगे इंशाल्लाह. कौम आज समझ चुकी है, कौम एकजहती की तरफ आ रही है. हमको कौम को एकजहती में लाना है और कौम की एकजहती से सारी कौमों के साथ मिलकर हिंदुस्तान में जातिवाद को मिटाना है. हम जातिवाद को दुश्मन समझते हैं. हम किसी के दुश्मन नहीं और हिंदू भाई भी हमारे दुश्मन नहीं. ये सिर्फ 5% कुछ ऐसे लोग हैं जो सत्ता में आ चुके हैं और इन लोगों ने वर्गला कर कुछ लोगों को इस रास्ते पर डाला है. इंशाल्लाह हमारे हिंदुस्तान के 95% हिंदू भाई हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं और हम हिंदुस्तान. मुस्लिम आरक्षण का जो धरने आंदोलन ये कब तक चलेगा और इसकी तीव्रता कहाँ तक रही? ये तो अभी महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र हमारे उलमाए दीन जो तंजीम है तंजीम में धरने आंदोलन का आज के दिन का ही दिया है. जैसे जैसे हमको ऊपर से आदेश आएंगे
हमेशा के लिए बैठे बोले तो हमेशा के लिए, जब तक रिजर्वेशन गवर्नमेंट नहीं देंगी जब तक बैठने की तैयारी है। अभी आज का दिन आज के लिए है, अगर हमारे ऊपर से उलमा अगर बोले, जमीतुल उलमा का अगर आदेश आया कि ये आप धरने आंदोलन के लिए हमेशा बैठो जब तक रिजर्वेशन नहीं मिलता, जब तक कि आवाम की पूरी तैयारी है, हम मुस्लिम कार्यकर्ते कौन से भी पक्ष में रहेंगे और हमारे मकसद के लिए हम सब एक जगह आने की तैयारी है। और हमारे यहाँ के राज्यकर्ताओं से भी गुजारिश है, अंदर शहर में जो भी आमदार खासदार जो भी है हमारे, जो मुस्लिमों के इसके ऊपर आगे बढ़ते हैं, वो लोगों ने सभागृह में आवाज उठा के ये जो रिजर्वेशन जो दिया गया, जो हाईकोर्ट ने बोले कि रिजर्वेशन मुस्लिम पसंद